नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। जदयू हेडक्वार्टर में लगातार मीटिंग का सिलसिला जारी है। ऐसे में आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह द्वारा मीटिंग किया जा रहा है, जिसमें सभी बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है। बता दें कि वो मीटिंग का सिलसिला लगातार पहले से भी जारी था और अभी जो आज मीटिंग होनी थी वह शुरू हो चुकी है। तस्वीरों में देखें किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा दोनों साथ में दिख रहे हैं। साथ ही साथ आप तस्वीर में देख सकते हैं और भी जो पार्टी के बड़े नेता हैं वह बैठे हुए दिख रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष साफ तौर पे सभी नेताओं को बताएंगे कैसे क्या काम करना है और किस तरीके से काम करना है, जो आने वाले वक्त में जदयू को और भी मजबूती मिल सके। लेकिन आपको बता दें कि ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उनसे जब पत्रकारों ने सवाल किया कि हरियाणा की जिंद में एक मीटिंग होनी जिसमें मुख्यमंत्री को आमंत्रण भेजा गया वहां पे शामिल होने के लिए, उसको लेके क्या कुछ कहना है ललन सिंह का, आए पहले उनकी पूरी बातों को सुनिए। कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी तय करते हैं, तो मुख्यमंत्री जी से पूछिए कार्यक्रम है कि नहीं। हम लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हरियाणा के जिंद में होने वाली मीटिंग में बुलावा मिला है और इसको लेके क्या कुछ अपडेट है, उसको लेके साफ तौर पे सवाल किया गया ललन सिंह से। इनका साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री की मीटिंग हम खुद तय नहीं करते, ये अधिकार उनका खुद का होता है, ऐसे में हम कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। और जिस तरीके से हरियाणा की जिंद में मीटिंग होनी है, और बता दें कि एक तीसरे मोर्चे के रूप में जो 2024 लोकसभा चुनाव होना है उसको लेके जो नई बात सामने आ रही है उसमें मुख्यमंत्री को शामिल किया गया। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस आमंत्रण को अभी तक स्वीकार किया है या फिर नहीं किया, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन अभी तक जो सूत्रों के मुताबिक मिली खबर है उससे यही पता चला है कि हरियाणा की जिंद में जो मीटिंग होनी है 2024 लोकसभा चुनाव में, एक तीसरा मोर्चा होगा जिसके नेता को चुनने को लेके हो या फिर तमाम बातों को लेके, उसको लेके एक मीटिंग होनी है। ऐसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं या देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन इस बारे में जब ललन सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें अभी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और ये विशेष अधिकार जो है मुख्यमंत्री के खुद का होता है कि वो कहाँ जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। हालांकि देखने वाली बात यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी लगातार 2019 लोकसभा चुनाव में भारी मतों के साथ एनडीए की सरकार बनी थी और दोबारा प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए थे। और उसके बाद 2024 में जब तीसरा मोर्चा होता है तो उसमें कौन सा नया मोड़ देखने को मिलेगा, हालांकि इसमें भी लंबा वक्त है, लेकिन जो तैयारी है तीसरे मोर्चे की वो अभी से ही शुरू होनी दिखने लगी है। तो आप ऐसी खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।